नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी स्टार्स की पत्नियों के बारे में। हम बहुत कम वीडियोस बनाते हैं उनके बारे में क्योंकि वो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहती। सबसे बड़ी बात कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है। जी हाँ, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठाकर देख ले, भोजपुरी स्टार्स की पत्नियों के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आज हम एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। आपको आज हम ये आने वाले हैं कि भोजपुरी स्टार्स की पत्नियां कितनी पढ़ी लिखी हुई हैं। हमने ऐसे कई वीडियोस बनाए हैं जहां हमने आपको बताया है कि भोजपुरी स्टार्स कितने पढ़े लिखे हैं, उन्हें क्या पसंद है, वो क्या करना पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन आज हमने जो ये वीडियो बनाया है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेकर बनाया है। आपको बता दें कि भोजपुरी स्टार्स की पत्नियों में भी काफ़ी ऐसी पत्नियां हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की है, कम उम्र में उनकी शादी हो चुकी थी, इसके वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो सबसे पहला नाम लेते हैं खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव का नाम लेते ही उनके कई इंटरव्यूज़ आपको ध्यान में आते होंगे जहाँ खेसारी लाल यादव अपनी आर्थिक तंगी की बात करते थे जब वो स्टार नहीं बने थे। आपको ये बता दें कि कई इंटरव्यूज़ में खेसारी लाल यादव ये कहते नज़र आए हैं कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और कई भाई बहन होने के कारण पिताजी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाए और जिस वजह से उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की। लेकिन आपको बता दें, यही कुछ हाल खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव का भी है। उन्होंने भी कम उम्र में शादी होने के कारण पढ़ाई नहीं की। लेकिन आपको बता दें कि हमारे सोर्सेस के मुताबिक चंदा यादव ने 7वीं क्लास तक की पढ़ाई की है। जी हाँ, चंदा यादव ने 7वीं तक की पढ़ाई की है। आपको यहाँ एक दिलचस्प बात और बता दें, भले ही चंदा यादव और खेसारी लाल यादव ने पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर वो काफ़ी पोटेंशियल है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो उनके पढ़ाई को लेकर वो इतने सीरियस हैं कि हर एक्टिविटी में खेसारी और उनकी पत्नी उनके बच्चों के साथ मौजूद रहते हैं। और अब बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की। जैसे कि आपने कई बार दिनेश लाल यादव निरहुआ के मुंह से सुना होगा कि उन्होंने कलकत्ता में रहकर अपनी पढ़ाई की है। इस मामले में मनोज तिवारी के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी के सबसे पढ़े लिखे स्टार्स माने जाते हैं। आपको बता दें कि कलकत्ता में रहकर उन्होंने पढ़ाई की है, लेकिन उनकी पत्नी खेसारी की पत्नी की तरह ही इनकी पत्नी भी कम पढ़ी लिखी हैं। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी ने 5वीं तक की ही पढ़ाई की है और लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर ये भी काफ़ी सीरियस हैं। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी के बच्चे पंचगनी में पढ़ते हैं, लेकिन इनकी पढ़ाई को लेकर ये इतनी सीरियस हैं कि जब भी टाइम मिलता है ये पंचगनी में जाकर ये देखती हैं कि उनके बच्चे सही से हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या नहीं। और अब बात करते हैं पवन सिंह की। जी हाँ, यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। पवन सिंह थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी पत्नी ग्रेजुएट है। भोजपुरी कलाकारों में अब तक में आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी की पत्नी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है वो पवन सिंह की पत्नी है, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं तो वो पवन सिंह की पत्नी है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये आज के नए दौर की हैं, इस वजह से इसका फ़ायदा ज्योति सिंह को मिला है। आज ज्योति सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की स्टार वाइफों में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। बात अब आ जाती है रवि किशन शुक्ला पर और मनोज तिवारी पर भी। तो आपको बता दें, मनोज तिवारी काफ़ी पढ़े लिखे हैं और रवि शुक्ला ने भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट ही की है, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि मनोज तिवारी की पत्नी ने उन्हें डिवोर्स दे दिया है। यकीन है हमें कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।